हरिओम नमस्ते दोस्तों, कर्मकांड भाई आनंद पाठक में आप सबका मैं फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज एक ऐसा विषय मैं आपको बताने जा रहा हूं जिसका आप सबको बेसब्री से इंतज़ार होगा और रहा होगा। मैं आज आपको बताऊंगा श्री सूक्त, और वो भी सांपुटिक श्री सूक्त, जिसको दुर्गा सप्तशती के चतुर्थ अध्याय का जो दरिद्रता विनाशक जो मंत्र है, दुर्गे स्मृता हर्ष भीतिम शेष जंतु, उस मंत्र के साथ श्री सूक्त को संपुटित किया जाता है और माना जा रहा है। इस स्तोत्र का आपको अनुष्ठान चाहो तो कर सकते हो, लेकिन करने की भी आवश्यकता नहीं है, सिर्फ एक पाठ करना है, सिर्फ एक पाठ। और अगर आप चाहो तो प्रति शुक्रवार श्री यंत्र के ऊपर या फिर माँ दुर्गा के ऊपर दाढ़ी यानी अनार या फिर द्राक्षारस यानी द्राक्ष के रस से आप 16 बार सांपुटिक श्री सूक्त के पाठ से अभिषेक करो। और ये एक ऐसा स्तोत्र है जो जन्मों जन्मों तक की दरिद्रता को निवारण करता है और दरिद्रता का संपूर्ण रूप से विनाश कर देता है। ये है सांपुटिक श्री सूक्तम। अब कई लोगों ने इस स्तोत्र के प्रावधान में विनियोग न्यास आदि कर्म दिया हुआ है, लेकिन मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसमें विनियोग न्यास आदि करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये बहुत ही शक्तिशाली है, क्योंकि इसमें जैसे मैंने बताया कि दरिद्रता निवारण के मंत्र के साथ जो महालक्ष्मी का मूल मंत्र है ओम श्रीम रीम श्रीम कमले कमलालय यानी 27 अक्षरों वाला, वो भी इसमें संपुटित किया है। तो आप ही सोचिए, श्री सूक्त ऑलरेडी बहुत शक्तिशाली है, उसमें भी उसके साथ 27 अक्षरों वाला महालक्ष्मी का मूल मंत्र लिया है, इसमें भी दुर्गा सप्तशती के मंत्र का संपुट किया है, तो आप ही सोचिए ये कितना शक्तिशाली हो चुका है। मान लो कि श्री सूक्त अगर आपको 100 गुना फल देता है, तो उसमें भी उसके मूल मंत्र श्रीम रीम श्रीम जो 27 अक्षरों वाला मंत्र है वो दिया, उसका फल 200 गुना हो गया। और उसमें भी दुर्गा सप्तशती का तीसरा मंत्र जो है, जो दरिद्रता को विनाश करने वाला है दुर्गे स्मृता, वो भी इसमें संपुटित किया है, तो 300 गुना फल प्राप्त होता है। लेकिन याद सदैव रखें, उच्चारण बहुत स्पष्ट होना चाहिए और तभी आपको यह स्तोत्र का आरंभ करना है। अगर आप प्रतिदिन श्री सूक्त का पाठ करते हो तो उस पाठ के बाद, जैसे मैंने पहले भी बताया था, कि एक कनकधारा स्तोत्र का पाठ करें और उसके पश्चात एक सांपुटिक श्री सूक्त का पाठ करें। यकीन मानो, अगर आप व्यापारी हो तो व्यापार में चमत्कारिक आपको लाभ प्राप्त होगा। अगर आप ऋणी हो यानी आप कर्ज से परेशान हो, कर्ज से मुक्ति प्राप्त होगी। अगर घर में किसी भी प्रकार की कोई नेगेटिविटी होगी वो भी दूर हो जाएगी। किसी प्रकार से मान लो कि लक्ष्मी जी आपसे रूठी हुई है तो वो भी आगमन करेगी। इतना यह शक्तिशाली उपाय है। तो मैं आपको बहुत ही सरलता से, बहुत ही धीरे से, बहुत ही स्पष्टता से यह बताने जा रहा हूँ। हो सके तो आप यह भी प्रतिदिन करने की कोशिश करिएगा। और साथ ही मैं आपको बताऊँगा कि अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा सांपुटिक श्री सूक्त का पाठ। ओम श्रीम रीम श्रीम कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीम रीम श्रीम ओम महालक्ष्म्यै नमः। ओम दुर्गे स्मृता हरस भीतिमशेष जन्तो स्वस्थ हि स्मृता मतिमतीव शुभं ददासी। ओम हिरण्यवर्णं हरिणीं सुवर्ण रजतस्त्रजं चंद्रं हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदोम आवह। दारिद्र्यदुःखभयहारिणिका त्वदन्या सर्वोपकारकरणाय सदार्द्रचित्त। ओम दुर्गे स्मृता हरस भीतिमशेष जन्तुः स्वस्थ हि स्मृता मतिमतीव शुभं ददासी। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ओं महालक्ष्म्यै नमः। ओं तं आवह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यं हिरण्यं विन्देयं कामश्वं पुरुषानहं दारिद्र्यदुःखभयहारिणिका त्वदन्या सर्वोपकारकरणाय सदार्द्रचित्ता। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ओं महालक्ष्म्यै नमः। ओं दुर्गे स्मृता हरस भीतिमशेष जन्तुः स्वस्थ हि स्मृता मतिमतीव शुभं ददासी। ओं अश्वपूर्वं रथमध्यं हस्तिनाद प्रबोधिनीं श्रियं देवीमुपहवये श्रीर्मा देवी जूषतां दारिद्र्यदुःखभयहारिणिका त्वदन्या सर्वोपकारकरणाय सदार्द्रचित्ता। ओं श्रीं ह्रीं श्रीं
श्रीम कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ॐ महालक्ष्म्यै नमः। ॐ दुर्गे स्मृता हरसि भीतिमशेष जन्तोः स्वस्तिः स्मृता मतिमतीव शुभं ददासि। ॐ कांसोस्मितं हिरण्यप्राकारम् आर्द्रं ज्वलन्तीं तृप्तं तर्पयन्तीं पद्मे स्थितं पद्मवर्णं तामिहोपहवये श्रियं दारिद्र्यदुःखभयहारिणिका त्वदनीया सर्वोपकारकरणाय सदार्द्रचित्तं। ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ॐ महालक्ष्म्यै नमः। ॐ दुर्गे स्मृता हरसि भीतिमशेष जन्तोः स्वस्तिः स्मृता मतिमतीव शुभं ददासि। ॐ चन्द्रं प्रभा शं यशसा ज्वलन्तीं श्रियं लोके देवजुष्टामुदारं तं पद्मिनीमिं शरणमहं प्रपद्ये। अलक्ष्मिर्मे नश्यतं त्वं वृणे दारिद्र्यदुःखभयहारिणिका त्वदनीया सर्वोपकारकरणाय सदार्द्रचित्ता। ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ॐ महालक्ष्म्यै नमः। ॐ दुर्गे स्मृता हरसि भीतिमशेष जन्तोः स्वस्तिः स्मृता मतिमतीव शुभं ददासि। ॐ आदित्यवर्णे तपसो द्विजातो वनस्पतिस्तव वृक्षोऽथ बिल्वः तस्य फलानि तपसानुदन्तु मायान्तरायश्च बाह्या अलक्ष्मीः। दारिद्र्यदुःखभयहारिणिका त्वदनीया सर्वोपकारकरणाय सदार्द्रचित्ता। ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ॐ महालक्ष्म्यै नमः। ॐ दुर्गे स्मृता हरसि भीतिमशेष जन्तोः स्वस्तिः स्मृता मतिमतीव शुभं ददासि। ॐ उपैतु मम देवसखः कीर्तिश्च मणिनाशः प्रादुर्भूतोऽस्तु राष्ट्रेऽस्मिन् कीर्तिं वृद्धिं ददातु मे दारिद्र्यदुःखभयहारिणिका त्वदनीया सर्वोपकारकरणाय सदार्द्रचित्ता। ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ॐ महालक्ष्म्यै नमः। ॐ दुर्गे स्मृता हरसि भीतिमशेष जन्तोः स्वस्तिः स्मृता मतिमतीव शुभं ददासि। ॐ क्षुत्पिपासमलं ज्येष्ठम् अलक्ष्मीं नाशयाम्यहम् अभूतिम् असमृद्धिं च सर्वं निर्णुद मे गृहात् दारिद्र्यदुःखभयहारिणिका त्वदनीया सर्वोपकारकरणाय सदार्द्रचित्ता। ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ॐ महालक्ष्म्यै नमः। ॐ दुर्गे स्मृता हरसि भीतिमशेष जन्तोः स्वस्तिः स्मृता मतिमतीव शुभं ददासि। ॐ गन्धद्वारं दुरादर्शं नित्यपुष्टं करीषिणीम् ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपहवये श्रियं दारिद्र्यदुःखभयहारिणिका त्वदनीया सर्वोपकारकरणाय सदार्द्रचित्ता। ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ॐ महालक्ष्म्यै नमः। ॐ दुर्गे स्मृता हरसि भीतिमशेष जन्तोः स्वस्तिः स्मृता मतिमतीव शुभं ददासि। ॐ मनसः काममाकूतिं वाचः सत्यं श्रीमहि पशूनां रूपमन्यस्य मयि श्रीः श्रयतां यशः दारिद्र्यदुःखभयहारिणिका त्वदनीया सर्वोपकारकरणाय सदार्द्रचित्ता। ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ॐ महालक्ष्म्यै नमः। ॐ दुर्गे स्मृता हरसि भीतिमशेष जन्तोः स्वस्तिः स्मृता मतिमतीव शुभं ददासि। ॐ कर्दमेन प्रजाभूत मयि सम्भव कर्दम श्रियं वासय मे कूले मातरं पद्ममालिनीं दारिद्र्यदुःखभयहारिणिका त्वदनीया सर्वोपकारकरणाय सदार्द्रचित्ता। ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ॐ महालक्ष्म्यै नमः। ॐ दुर्गे स्मृता हरसि भीतिमशेष जन्तोः स्वस्तिः स्मृता मतिमतीव शुभं ददासि। ॐ आपः स्रजन्तु स्निग्धानि चिक्लित वसमे गृहे नीचदेवीं मातरं श्रियं वासय मे कुले दारिद्र्यदुःखभयहारिणिका त्वदनीया सर्वोपकारकरणाय सदार्द्रचित्ता। ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ॐ महालक्ष्म्यै नमः। ॐ दुर्गे स्मृता हरसि भीतिमशेष जन्तोः स्वस्तिः स्मृता मतिमतीव शुभं ददासि। ॐ आर्द्रं यः करिणीं यष्टिं सुवर्णां हेममालिनीं सूर्यां हिरणमयीं लक्ष्मीं जातवेदोम आवह दारिद्र्यदुःखभयहारिणिका त्वदनीया सर्वोपकारकरणाय सदार्द्रचित्ता। ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ॐ महालक्ष्म्यै नमः। ॐ दुर्गे स्मृता हरसि भीतिमशेष जन्तुः स्वस्तिः स्मृता मतिमतीव शुभं ददासि। ॐ आर्द्रं पुष्करिणीं पुष्टिं पिङ्गलं पद्ममालिनीं चन्द्रं हिरणमयीं लक्ष्मीं जातवेदोम आवह दारिद्र्यदुःखभयहारिणिका त्वदनीया सर्वोपकारकरणाय सदार्द्रचित्ता। ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ॐ महालक्ष्म्यै नमः। ॐ दुर्गे स्मृता हरसि भीतिमशेष जन्तोः स्वस्तिः स्मृता मतिमतीव शुभं
सर्वं ददाशिम ओं तम आवह जातवेदो लक्ष्मी मनपगामिनिम यश्यम हिरण्यम प्रभूतम गावो दस्युष्वन विन्देयम पुरुषानहम दारिद्र दुख भयहारिणिका त्वदनीया सर्वोपकार करणाय सदार्द्र चित्त ओं श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ओं महालक्ष्मी नमः ओं दुर्गे स्मृता हर्ष भीतिम शेष जन्तुः स्वस्ते स्मृता मतिमतीव शुभं ददाशिम ओं यः शुचिः प्रायतो भूत्वा जुहुया दाज्यम नवहं सुक्तं पञ्चदशरचं च श्रीकामः सततं जपेद् दारिद्र दुख भयहारिणिका त्वदनीय सर्वोपकार करणाय सदार्द्र चित्त ओं श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ओं महालक्ष्मी नमः ओं दुर्गे स्मृता हर्ष भीतिम शेष जन्तुः स्वस्ते स्मृता मतिमतीव शुभं ददासि श्री महालक्ष्मी अर्पणम अस्तु। तो दोस्तों, ये था संपूर्ण सांपुटिक श्री सूक्त पाठ। जैसे मैंने शुरुआत में ही कह दिया है, ये महा फलदायी महान स्तोत्र है और 300 गुना फल देने वाला स्तोत्र है और उत्तम स्तोत्र है जो धन प्रदाता है। तो अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया है तो कृपया करके मेरे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।